ଆପଣ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। Hold on, hold on. There is a lot of corruption as far as the NTA is concerned. I want to understand from you, sir, with the head role, there is a problem of corruption. If I may specifically ask you, is there going to be heads that are going to be rolling, sir? देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोलिज हुई है, नीट के संबंध में पिछले दिनों में, नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 24 लाख, ये लगभग 1,550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं, सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है, एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है, पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर? कोई पेपर लीक नहीं है, बिहार में अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप में। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या? उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा, 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया ऐसा नहीं है, ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ है। सर, ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो आज अभी तो जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।